नमस्कार, मैं विवेक टोकरा, आप देख रहे हैं प्राइम। देर शाम सड़क किनारे युवक की धारदार हथियार से मारकर हत्या। हत्या के बाद फूटा लोगों में गुस्सा, फूटकर दुकानों में तोड़फोड़ के पार लगाई आग। जी हाँ, हम आपको बता दें, दरभंगा में देर शाम मोहम्मद दानिश नाम के एक 18 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई थी। दानिश की हत्या ठीक उसके घर के सामने उसके जान पहचान वाले मोहल्ले के ही सोनू और दीपक नाम के लड़के ने की अलपट्टी चौक पर कर दी और मौके से फरार हो गया। आनन-फानन में दानिश को बगल में एक निजी अस्पताल में भी ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर से मोहल्ले में लोगों का गुस्सा सात में आसमान पर पहुंच गया। आक्रोशित लोगों ने फूटकर दुकानदारों की दुकानों में पहले तोड़फोड़ की, बाद में सभी को इकट्ठा कर सड़क पर लाकर आग के हवाले कर दिया और सड़क को जाम कर घंटों पुलिस की उपस्थिति में हंगामा मचाते रहे, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। हालांकि घटना के तुरंत बाद ही मौके पर डीएसपी अनुज कुमार पूरे दलबल के साथ पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग हत्या के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़े रहे थे। हत्या के पीछे अभी कारण स्पष्ट नहीं, लेकिन हत्या के पीछे अब तक दो कारण सामने आए हैं। कुछ लोगों के अनुसार दानिश और सोनू का आपस में जान पहचान था और दानिश ने सोनू को 5,000 रुपए कर्ज के रूप में दिया था, और जब दानिश अपना पैसा मांगने सोनू के पास गया तो तभी दोनों में विवाद हुआ और सोनू के दानिश के ऊपर एक के बाद एक कई बार धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें दानिश वहीं धाराशायी होकर गिर गया। जब तक लोग उसे अस्पताल में लाते उसकी मौत हो गई थी। पुलिस पूरी तरह मामले की जांच पड़ताल कर रही है, जल्दी दोषियों को पकड़कर जेल भेज दिया जाएगा। दरभंगा से तुलसी झा की खास रिपोर्ट। आपस में ही बात करने पर आपस में तू-तू मैं-मैं हुआ, उसी में निकाला, यहाँ भी मारा है, पूरा गर्दन में मारा है, यहाँ पूरा मार दिया, जाते जाते रोड पर स्पॉट डेथ हो गई। कौन था वो, पहचानो पाए जिसने मारा? तो यही पकड़, यही लोग नाम जानते हैं, हम अपना नाम नहीं जानते। उनका नाम सोनू है, एगो का दीपक, हाँ एगो का नाम दीपक है। दोनों आपस में दोस्त था या नहीं? दोस्त नहीं, 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 नहीं। पहले ये लोग दोस्त उस नहीं था, सब लेकिन लोकले है, हाँ यही पता, सब लोकले है। विवाद का कोई कारण? विवाद उवाद कुछ नहीं है, अब आगे क्या मामला है वो तो फिर पता चलेगा। फिलहाल तो बैंक में कोई विवाद का मामला नहीं, सब आपस में वहाँ पर बात कर रहा है। तो गुस्सा जो है लोगों में, जो गुस्सा दिख रहा है, आज पर्व का पहला दिन था, ऐसा घटना हो जाना क्या लगता है? तो अगर मतलब पुलिस नहीं आती तो बहुत कुछ हो जाता, लेकिन वक्त पर टाइम पर जब पुलिस आ गया तो कंट्रोल में है हर चीज। हथियार से हत्या का मामला सर सामने आया, सर क्या है? पट्टी के पास जो है दानिश नाम के एक लड़का जो है उसको बुला करके बताया जा रहा है कि चाकू मार करके हत्या कर दिया गया है, और जिसकी इलाज हेतु पारस लाया गया, मैंने देखा भी चाकू मारा हुआ था और जिसकी मृत्यु हो चुकी है पारस अस्पताल में। इस संबंध में जो है कि जो नाम आए हैं उसमें से उसके दो व्यक्ति को संदेह के आधार पर जो है हम लोग उठाए हैं, पूछताछ कर रहे हैं, और हम उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम लोग गिरफ्तारी कर लेंगे जो मुख्य अभियुक्त है। हम लोग का पता चल गया है, जो जो इसमें घटना में शामिल है उन लोग का नाम पता चल गया है, उन लोग को हम लोग किसी भी में से उठा लेंगे। सर हत्या के पीछे कुछ कारण अभी इस समय में कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी जस्ट हुई की सूचना ही प्राप्त हुई है, और हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हुए दो व्यक्ति को हिरासत में लेकर के आगे कार्रवाई कर रहे हैं, और जो भी नाम आया उसको शीघ्र से गिरफ्तार कर लेंगे। प्राइम 18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध।